वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के बजट में बताया कि कौन सी चीजें आगे सस्ती होंगी और कौन सी महंगी। उन्होंने तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही। जानते हैं कि इन घोषणाओं के चलते आगे क्या क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। विदेशी छाता भी महंगा होगा। इसके अलावा इस साल अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी है। हालांकि सरकार ने शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की घोषणा की थी। निर्मला सीतारमण ने कस्टम्स में 400 से ज्यादा छूटों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया। कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई और कुछ स्टील उत्पादों पर ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर 2.5% ड्यूटी लगाई गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।